Question number one. Ion equilibrium exercise two. Question number one. Question number two. Question number two. Doubted. 2.5 gram impure sample containing weak monoacidic base is dissolved in 100 ml of water and titrated with 0.5 molar HCl when 1/5 of the base was neutralized. The pH was found to be 9 and at the equivalence point pH is found to be 4.5. Log to the hour. 2.5 gram of impure sample of a weak monoacidic base. मोनोएसिडिक बेस क्वेश्चन नंबर टू एक्सरसाइज टू मोनोएसिडिक बेस हम मान सकते हैं BOH मान लेते हैं इसका W ग्राम था प्योर W डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट इज 45 इसको हम लोग टाइट्रेट कर रहे हैं HCl के साथ ये रिएक्ट करके देगा BCl प्लस वाटर HCl का हम लोग इस्तेमाल कितना किए titrated with dissolved in 100 ml water and titrated with 0.5 molar HCl. 0.5 molar HCl. 0.5 molar HCl. ठीक है जब 1/5 इक्विवेलेंस आया when 1/5 of the base was neutralized, the pH was found to be 9. तो इसका 1/5 न्यूट्रलाइज हो गया तो ये बचा कितना W अपॉन 1/5 माने 4/5 बच गया तो 4/5 इंटू W अपॉन 45 ये बचा और ये BCl कितना बनेगा W अपॉन 45 का 1/5 ऑफ W अपॉन 45 बचेगा BCl बनेगा ये बात समझ में आ रहा है इसका 1/5 रिएक्ट कर गया वही बोलेंगे ना 1/5 ऑफ द बेस हैज रिएक्टेड 1/5 इसका रिएक्ट कर गया तो इतना बन गया तो 4/5 बचा है अब ये सोल्यूशन क्या है बेसिक बफर में POH विल बी इक्वल टू PKB प्लस लॉग टू द बेस 10 सॉल्ट W अपॉन 5 इंटू 45 डिवाइड बाई बेस दैट इज 4W अपॉन 5 इंटू 45 W बाई 45 W बाई 45 5 और 5 दोनों कट गए ये बचेगा PKB प्लस लॉग टू दी बेस 10 1/4 दैट इज POH पीएच दे रखा है 9 तो POH कितना होगा 5 1/4 तो PKB माइनस 0.6 सो PKB विल बी इक्वल टू 5.6 सो KB विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 5.6 KB ऑफ द बेस इज लेस देन 10 टू द पावर माइनस 6 बोल रहा है गलत Concentration of C at the equivalence point is 0.25 molar. Equivalence point पे pH कितना है? Equivalence point पे pH कितना है? 4.5. Equivalence point मतलब पूरा का पूरा react कर गए. अब देख ऐसे हम लोग करेंगे. Total volume निकालना पड़ेगा. Let the volume used is V for the HCl. Okay. Equivalence point का मतलब पूरा का पूरा W by 45 react कर गया. तो W by 45 was the number of moles of BOH. Into 1000 करेंगे तो millimoles of BOH. Millimoles of BOH will be equal to millimoles of HCl. 0.5 into V निकाल लिए. यहां से V आ जाएगा कितना आ जाएगा V आ जाएगा 1000 W upon 45 into 0.5. डायरेक्ट करो इक्वेलेंस पॉइंट पे क्या बचेगा सिर्फ सॉल्ट सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड तो पीएच इज ऑल्सो ऑलवेज इक्वल टू पीकेबी माइनस ऑफ लॉग टू द बेस 10 सी ये करने का जरूरत नहीं है पीएच दे रखा है 4.5 दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू 14 माइनस पीकेबी निकाल चुके हो 5.6 माइनस लॉग टू द बेस 10 सी करके यहां से सी निकालेंगे क्लियर वॉल्यूम ऑफ द HCl यूज्ड इज एट द इक्वेलेंस पॉइंट इज 100 ml ये तो ऑप्शन वाइज ऑप्शन चलेंगे हम लोग 100 ml अगर हम लोग मान लिए तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 200 ml 100 ml अगर हम लोग मान के चलें तो 100 इंटू 0.5 कितना होगा 50
100 इंटू 0.5 50 मिलीमोल, 50 मिलीमोल ही 50 मिलीमोल बीसीएल देगा, है ना। अगर बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन क्या करेक्ट है क्या, सी yes, निकल गया ना, तो सी यहां से निकल गया अगर 0.25 मोलर, तो हम लोग कहेंगे कि इसका जो मिलीमोल इस्तेमाल हुआ है वही मिलीमोल सॉल्ट भी मिला। अरे यस और नो, इसका मिलीमोल कितना इस्तेमाल हुआ है, 0.5 इंटू वी इस्तेमाल हुआ है, तो 0.5 वी मिलीमोल ही सॉल्ट मिलेगा बीसीएल। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए मुझे इसको 200 से डिवाइड करना पड़ेगा, यही है सी, और सी आप निकाल चुके हो, दैट इज 0.25। सॉल्व कर निकाल वी, वी आ जाएगा कितना आएगा, वी कितना आएगा 100, तो वो भी आंसर है। वेट परसेंट ऑफ द बेस इज गिवन एज 80%, तो आपको मिलीमोल तो पता चल गया है, 100 ml तो करेक्ट आंसर है ना, तो 100 मैंने इसका कितना मिलीमोल इस्तेमाल हुआ, 0.5 इन 100 दैट इज 50 मिलीमोल, 50 मिलीमोल जरूर इसके 50 मिलीमोल के साथ ही रिएक्ट किया होगा, 50/1000 कर देंगे तो मोल आ गया, और इसका मोल कितना था, W/45, W निकालो और उसके बाद W को 2.5 से डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे, चलो करो 50/20, W विल बी इक्वल टू 45/20, 5/4, दैट इज 9/4, परसेंटेज निकालना है तो 9/4 डिवाइड बाय 2.5 था इम्प्योर का मास इंटू 100, समझ में आ रहा है, क्लियर है, 90%, इसलिए डी ऑप्शन गलत है। 3 बी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करना है, एन एसिड बेस इंडिकेटर इन अ बफर सॉल्यूशन ऑफ पीएच इज इक्वल टू PKIN+1 इज आयनाइज्ड अप टू एक्सटेंट ऑफ 90%। किसी भी इंडिकेटर जैसे HIN इंडिकेटर है, ये मेंटेन करता है H++ ऑफ IN-, है ना, इसका हम लोग इक्वेशन क्या लिखते हैं, पीएच इज इक्वल टू PKI+log(10) आयनाइज्ड फॉर्म का कंसेंट्रेशन अपॉन नॉन आयनाइज्ड फॉर्म का कंसेंट्रेशन, लिखते हैं कि नहीं, बफर है पीएच इज इक्वल टू PKI+1, PKI+1 का अगर हम लोग बफर ले लिए बिठा दिए, ये दैट विल बी इक्वल टू PKI+, यही क्वांटिटी PKI कट गया तो log(10) IN-IN, HIN कितना आ जाएगा 1, देयरफॉर IN- का कंसेंट्रेशन अपॉन HIN का कंसेंट्रेशन कितना आ रहा है 10, 10 गुना हो गया ना, तो IN- का कंसेंट्रेशन क्या है 10 इंटू HIN, क्लियर, तो कितना परसेंट आयनाइज्ड हुआ, ये IN तो मिला है HIN से ही ना, क्लियर, 10 गुना है, जैसे मान लो कि अगर हम यहां पर 1 लिखे और यहां पर माइनस ऑफ एक्स दैट इज एक्स, तो एक्स जो है इसके बचे हुए का 10 गुना है, एक्स जो है इसके बचे हुए का 10 गुना है, मतलब कि एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 1 माइनस एक्स, तो एक्स विल बी इक्वल टू 10 माइनस ऑफ 10 एक्स, 11x is equal to 10, x will be equal to 10 upon 11, लगभग कितना आ रहा है, नियरली 90 ही आएगा, है कि नहीं है, 10 upon 11 into 100 करोगे, 10 upon 11 into 100 करोगे तो उतनी ही आएगा ना। थर्ड, फोर्थ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, फिफ्थ का बी पार्ट, अ बफर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सोडियम एसिटेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर, बिल्कुल सही है,
सोडियम एसीटेट एंड HCl, मान ले HCl लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा ना, रिएक्ट करके क्या बना लेगा? ऐसे किसमें? एक्सरसाइज फोर में नहीं, अगर दोनों इक्विमोलर है तब तो आंसर नहीं है, तब आइडेंटिकल कंसेंट्रेशन अगर रहेगा बेटा तब तो ये बफर नहीं है, क्योंकि हमें लास्ट में CH3COOH ही मिलेगा, लेकिन यहां कंसेंट्रेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो हम मान के चलेंगे अगर HCl अगर लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, मान लीजिए 10 मिलीमोल, ये ले लिए हम 2 मिलीमोल, मिलाएंगे तो बफर बनेगा कि नहीं बनेगा? ये 8 बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा, तो सॉल्ट और एसिड दोनों आ जाएंगे तो बफर बन जाएगा। 6 नंबर क्लास में कर चुके हम लोग, 6 नंबर 7 नंबर सेम टाइप का सवाल है, क्लास में किया हुआ है, किए थे Cl2CHCOOH वाला, 7 8 फिर भी 6 7 8 8 8 डाउट है। Kw ऑफ वाटर एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर इज गिवन, अज्यूमिंग दैट डेल्टा एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। H2O H2O जब ब्रेक करता है H++ OH- में, ठीक है, इसका Kw दे रखा है 2 अलग अलग टेम्परेचर पे, तो आप लगाइए ln ऑफ K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर 1/T1 - 1/T2, यहां से निकालो डेल्टा एच, और जो डेल्टा एच आया उसका साइन को चेंज कर दो, साइन चेंज, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज बेसिकली व्हाट? बेसिकली इट इज H++ ऑफ OH- गिविंग वाटर, याद है आपको? और ये लिखते थे हम -57.32, तो जो आया डेल्टा एच इस इक्वेशन से इसका आया, रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, जो डेल्टा एच आया उसका साइन को चेंज कर दिया जाएगा। 9, 10, 10 डाउट, व्हेन अ 40 ml ऑफ अ 0.1 मोलर वीक बेस इज टाइट्रेटेड विद 0.16 मोलर HCl, द pH ऑफ द सोल्यूशन एट द एंड पॉइंट इज 5.23, एंड पॉइंट और इक्वेलेंस पॉइंट दोनों बराबर, वी ऑलवेज कंसिडर एंड पॉइंट एंड इक्वेलेंस पॉइंट टू बी सेम, बताया था पिछले क्लास में, है कि नहीं? बताना पड़ेगा, डाउट किसका है? और 10 नंबर किसका डाउट है? हो गया 11, 12, 13, 14, 15, 16, कौन सा 15, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द एसिड आयनाइजेशन ऑफ Fe+3 टू FeOH2+ एंड H+ इज दिस मच, Fe+3 जब वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो एक OH लेता है FeOH2+ और H+, और इसी को कहते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, और ये होगा Kw अपॉन Kb3। तो दे रखा 6.5 × 10⁻³ दे रखा है। व्हाट इज द मैक्सिमम pH विच कुड बी यूज्ड सो दैट एटलीस्ट 95% ऑफ द टोटल Fe+3 इन अ डायल्यूट सॉल्यूशन एग्जिस्ट एज Fe+3। मान लेते हैं ये C-X, X एंड X, ये रहना चाहिए 0.95 C एट इक्विलिब्रियम, है ना? तो x कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा 0.05 C, तो यहां बिठा दिए 0.05 C, ये भी 0.05 C, KH इज इक्वल टू 0.05 C × 0.05 C / 0.95 C,
एक सी कट गया तो सी निकाल लो, सी निकाल लोगे तो एच प्लस पता चल जाएगा, एच प्लस पता चल जाएगा तो पीएच पता चल जाएगा, पीओएच पता चल जाएगा। 16, अच्छा उससे पहले एक मिनट, एक्सरसाइज वन में कुछ सवाल हम इंडिकेटर का छुड़वाए थे, आ जाओ पहले एक्सरसाइज वन में। 38 से 40 नहीं किए, नहीं बोले थे, खाली छोड़वाए थे। वाह बेटा। चलो कोई नहीं, अगले क्लास में कर देंगे। कितना नंबर पे थे? 17 17 17। डाउट है, अ वीक बेस बीओएच स्टार्टेड अगेंस्ट अ स्ट्रांग एसिड। जैसे ये स्टेटमेंट देखो ना तो स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस एचसीएल एनओएच मान लेना। चलो मान लेते हैं कि इसको टाइट्रेट कर रहे हैं हम लोग एचसीएल के साथ, वीक बेस बीओएच को एचसीएल के साथ। द पीएच एट 1/4 ऑफ द इक्वलेंस पॉइंट वॉज 9.24। द पीएच एट 1/4 द इक्वलेंस पॉइंट, मान लेते हैं इसका ए नॉट मोल्स था, 1/4 इक्वलेंस मतलब क्या, 1/4 रिएक्शन हुआ, 1/4 रिएक्शन होगा तो ये 3/4 बच जाएगा और बीसीएल 1/4 बन जाएगा। फिलहाल क्या बन गया ये बफर, पीएच पीओएच विल बी इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग टू द बेस 10 ए नॉट बाई 4 अपॉन 3 ए नॉट बाई 4 लॉग 1/3। पी के बी पीओएच कितना, पीएच दिया है 9.24, तो पीओएच कितना होगा, 14 - 9.24 इज इक्वल टू पी के बी माइनस ऑफ लॉग 3। लॉग 3, लॉग 3 कितना होता है, 0.4771। तो आप यहां से पी के बी निकाल लोगे, पहला स्टेटमेंट सही है। उसके आगे पढ़ो, इनफ स्ट्रांग बेस वॉज नाउ एडेड, कितना, 6 mEq टू कंप्लीट कन्वर्स कंप्लीटली कन्वर्ट द सॉल्ट, कंप्लीटली कन्वर्ट द सॉल्ट। अच्छा तो बेस अगर हम डालेंगे इसमें तो बेस बेस के साथ थोड़ी रिएक्ट करेगा, बेस तो सॉल्ट के साथ ही रिएक्ट करेगा। मान ले एनओएच डाल दिए तो बीओएच कितना डाले, 6 mEq बोले या 6 mM बोल, बात बराबर, इनफैक्टर वन है, कंप्लीट कन्वर्शन। तो डेफिनेटली अगर ये ए नॉट बाई 4 था तो हम लोग बोल सकते हैं ए नॉट बाई 4 इज 6, ए नॉट इज 24। ए नॉट इज 24 नहीं, मोल मान के चल रहे ना, मिलीमोल मान लो कोई दिक्कत नहीं है, ए नॉट मिलीमोल है, 24 mM। टोटल वॉल्यूम कितना, 50। अब बीकर में क्या प्रेजेंट है, सिर्फ बेस प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है, वही ए नॉट 24 mM डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, सी कितना आ जाएगा, 24/50 नियरली हाफ 0.5। पीएच पूछ रहा है तो वीक बेस, वीक बेस बीओएच का कॉन्सेंट्रेशन अगर सी है तो हम सबसे पहले निकालेंगे ओएच माइनस कंसेंट्रेशन, वो आएगा अंडर रूट ऑफ केबी इंटू सी, ठीक है, दोनों तरफ माइनस लॉग ले ले, माइनस लॉग टू दी बेस 10 ओएच बन जाएगा पीओएच विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ पी के बी माइनस लॉग टू दी बेस 10 सी दैट इज 0.5। पी के बी निकाल चुके हो है ना, 14 - 9.24 प्लस 0.4771 माइनस लॉग 1/2 प्लस 0.3, वेरी गुड, पीओएच पता चल गया तो पीएच भी निकल जाएगा। अठारह उन्नीस बीस, बीस में क्या करना, केएसपी एजीसीएन का 10^-16 है,
20 नंबर में KSP AGCN का 4 × 10⁻⁶ है, -6 नहीं है, 10⁻⁶। अब बताओ इस एक्सरसाइज में कोई दिक्कत? 19। गिवन द सॉल्विटी ऑफ AgCl, व्हाट इज द सॉल्विटी ऑफ AgCl इन 0.2 मोलर अमोनिया? गिवन KSP दिस K1, K1 नहीं है, KF है, KF दे रखा है। K1 AgNH3 plus divided by Ag plus plus NH3, ठीक है, जो K1 दे रखा है उसका क्या मतलब है? Ag plus जब एक अमोनिया के साथ कंबाइन करता है तो बनाता है AgNH3 का प्लस, ये K1 दे रखा है। और K2 का क्या मतलब है? जब AgNH3 प्लस जब दूसरा अमोनिया के साथ कंबाइन करता है तो बनाता है AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, ये K2 दे रखा है कि नहीं? अगर हम इस दोनों रिएक्शन को जोड़ दें तो Ag प्लस 2NH3 इट इज गिविंग AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, तो इसका KF आ जाएगा। KF कितना आएगा? K1 × K2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1.7 × 2.33 × 10⁻³ क्या हो जाएगा? ये 2.33 × 7.14 × 10⁻⁶ ये आ गया KF। अब हो जाएगा, अब तो हो ही जाएगा, 18 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड विल प्रेसिपिटेट ऑफ MgOH होल ट्वाइस फॉर मिनट 10⁻⁴ सोल्यूशन ऑफ MgNO3 होल ट्वाइस इफ द pH ऑफ द सोल्यूशन इज एडजस्टेड टू 9। एक सोल्यूशन है जो कि 10⁻⁴ मोलर है Mg2+ में, विला प्रेसिपिटेट ऑफ MgOH होल ट्वाइस फॉर्म इन अ 10⁻⁴ सोल्यूशन इज द pH ऑफ द सोल्यूशन इज एडजस्टेड टू 9, सो pOH ऑफ द सोल्यूशन विल बी 5। MgOH का होल ट्वाइस ब्रेक्स एज Mg2+ प्लस 2OH − 10⁻⁴ Mg2+ था और OH- कितना है? 10⁻⁵। हम निकालेंगे सबसे पहले QSP 10⁻⁴ × 10⁻⁵ का स्क्वायर, 10⁻⁴ × 10⁻⁴। KSP कितना दे रखा है? 10⁻⁻ विच इज लेस देन 10⁻⁻, सो नो प्रेसिपिटेट। एट वॉट मिनिमम ऑफ वैल्यू ऑफ pH विल द प्रेसिपिटेशन स्टार्ट? प्रेसिपिटेशन विल स्टार्ट वेन 10⁻⁻ विल बी इक्वल टू Mg2+ का कंसेंट्रेशन इंटू OH- का कंसेंट्रेशन स्क्वायर 10⁻⁴ इंटू OH- का कंसेंट्रेशन स्क्वायर आ गया 7। OH- का कंसेंट्रेशन इज 10⁻⁷ विच इज 10 × 10⁻⁸ स्क्वायर, तो OH- का कंसेंट्रेशन विल बी इक्वल टू √10 × 10⁻⁴। √10 इज 3 point something, 3 point निकाल लो, 10.5।
10.5 में पीएच 10 टू द पावर 10.5 पे प्रेसिपिटेशन विल जस्ट बिगेन। ठीक है, ऑप्शन चेक करो क्या 9 पे होगा। अच्छा, एट व्हाट मिनिमम वैल्यू पीएच पूछ रहा है। सवाल में कुछ नहीं है, आंसर गलत है, ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 एक से लेकर 4, 5 से लेकर 8। एक से 4, 5 से 8 हो गया, 9 से 11, 12 से 15, 1 से 15, 10 से 15 हो गया। लेवल 2, 1 से 3, 4 से 6, 6। एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट इज मेड अप टू 250 ml। The volume of 0.1 normal NaOH required to completely neutralize 10 ml of the solution। ये तो रेडॉक्स का सवाल है, आई नहीं कहीं नहीं कहीं कहीं। ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट H2C2O4.2H2O डाइहाइड्रेट 6.3 ग्राम, 6.3 ग्राम। The volume is made up to 250 ml। इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं NaOH के साथ, NaOH के साथ 250 ml बना के फिर 10 ml निकाले इसमें से, और इस 250 ml में 6.3 ग्राम था, 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन न्यूट्रलाइज करेगा। इसका एन फैक्टर तो माने, इसका एन फैक्टर कितना आएगा 2, दोनों का मिली इक्वलेंट बराबर करेंगे, इसका मॉलिकुलर वेट कितना आएगा, डाइहाइड्रेट मतलब हो गया 36, 64, 24 और 2 कितना आ रहा 120 डिवाइड बाय 126 विच इज डबल राइट, कितना आ रहा है ये 0.05 मोल, 0.05 मोल इज प्रेजेंट इन 250 देन 10 ml विल कंटेन 0.05 बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या बन गया इसका मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 1000 मिलीमोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर मिली इक्वलेंट विल बी इक्वल टू, मान लेते वॉल्यूम वी इस्तेमाल हुआ इसका 0.1 नॉर्मैलिटी इनटू वी आंसर। यह आयनिक का नहीं, यह सीधे सीधे मोल कंसेप्ट रेडॉक्स का सवाल है। 7-8 9 से 11 12-13 14-15 कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, CO2 और वाटर इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है H2CO3 के साथ, और ये H2CO3 आगे मेंटेन कर देता है H++HCO3K1, HCO3 माइनस मेंटेन कर देगा H++CO3 2-K2। तो इक्विलिब्रियम पे क्या क्या प्रेजेंट है, सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन सी। Aqua solution of these three of identical concentration are provided, the pair of the solution which forms a buffer mixture upon mixing 19 का सी
डेफिनेटली ये बफर नहीं है। हाँ आइडेंटिकल कॉन्सेंट्रेशन है ना बेटा, तो दोनों आपस में रिएक्ट करके दे देगा एसिटिक एसिड ओनली। कैसे हो सकता है आंसर? आइडेंटिकल कंसंट्रेशन है तो आंसर कैसे हो सकता है? देखो तो पीछे आंसर दे, आंसर देख पीछे दिया हुआ ऐसी, मैंने ये दोनों मिलकर बफर बनाएगा। आंसर क्या दे रखा 19 नंबर का? एक्वस सोल्यूशन ऑफ HNO3KOH ऑफ आइडेंटिकल कॉन्सेंट्रेशन आर प्रोवाइडेड। ऑब्वियस ही बात है, दोनों का अलग अलग वॉल्यूम मिला दिए तो कॉन्सेंट्रेशन आइडेंटिकल रहने से क्या हो जाएगा? 0.1 मोलर 0.1 मोलर, लेट दिस इज टेकन 5 ml, दिस इज टेकन 10 ml, तो क्या होगा? बफर नहीं बनेगा। 20, 21, 22, 23 डाउट। 2013 में डाउट, 2014 में तैयारी और 2015 में नो डाउट। वेरी गुड। द इनिशियल रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एच प्लस के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो रेट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू एसीटेट कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय एच प्लस कंसंट्रेशन, है ना? जब हम लोग वीक एसिड का इस्तेमाल करते हैं 1 मोलर, तो रेट 1/100 होता है एज कंपेयर टू स्ट्रांग एसिड जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं 1 मोलर, ठीक है? आर वेन टेकन विलोंग विथ वीक एसिड, के इंटू एसीटेट का कंसंट्रेशन, और H प्लस कितना आएगा वीक एसिड का? वीक एसिड का H प्लस होता है अंडर रूट के इंटू सी, ठीक है? जब हम लोग R निकाले स्ट्रांग एसिड का इस्तेमाल करके, तो K इंटू एसीटेट का कंसंट्रेशन, स्ट्रांग एसिड तो 100% डिसोसिएटेड रहता है, 1 मोलर लिए तो 1 मोलर लिख दिए H प्लस, डिवाइड किए वीक अपॉन स्ट्रांग का रेट कितना आया? 1/100 आया। जब डिवाइड किए तो क्या बच गया? अंडर रूट के इंटू सी, के दे रखा है, पूछ रहा है सी सी है 1, दैट मीन्स अंडर रूट के, सो के विल बी इक्वल टू 1/100 का होल स्क्वायर, 10^-4 आंसर। 23, 24 हो गया। एक्सरसाइज 3 में टिक करो, सारा नहीं करना है। कितने सवाल है? 85 की 90, 85 क्वेश्चन। जितना हम टिक कराएंगे उतना कर लो, उसके बाद फिर दिल करे तो कर लेना, डाउट पूछ लेना, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। खत्म आएने 1, 2, 4 6, 9, 10, 11 6, 9, 10, 11, 15, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59,
34, 35, 36, 37, 38,
52 से 66 लगातार सॉल्विटी का सब कर लो। कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रियम का 67, 69, 67, 69, 71, 74, 76, 77, 80, 82, 84। ज्यादा से ज्यादा 15 सवाल छोड़े हैं।